अपने जमाने के मशहूर अभिनेता रणधीर कपूर 15 फरवरी यानी आज अपना 71वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। रणधीर कपूर हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी फिल्म मेकर कहे जाने वाले राज कपूर के बेटे, पृथ्वीराज कपूर के पोते और एक्टर ऋषि कपूर के भाई हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म श्री 424 से और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। उन्होंने दो उस्ताद, कल और आजकल, हमराही, कस्मे वादे जैसी कई हिट फिल्में दी। कल और आजकल की शूटिंग के दौरान ही उन्हें अपनी को स्टार बबीता से प्यार हो गया। रणधीर ने अपने प्यार को नया नाम दिया और बबीता से शादी कर ली। हालांकि रणधीर की फैमिली इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि रणधीर पंजाबी तो बबीता सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती थी। लेकिन रणधीर अपनी फैमिली को इस शादी के लिए मनाने में कामयाब रहे। इस जोड़ी की दो बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। दोनों बेटियां बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां हैं। शादी के बाद बबीता ने तो फिल्मों से नाता तोड़ दिया, लेकिन वे अपनी बेटियों को एक ट्रेस बनाना चाहती थीं। इस बात के लिए रणधीर कपूर बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन बबीता ने फैसला कर लिया था। रणधीर अपनी जिद पर अड़े रहे और बबीता संग उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। साल 1988 में बबीता अपनी दोनों बेटियों के साथ रणधीर को छोड़कर चली गई। करिश्मा ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। भले ही दोनों अलग हुए, लेकिन एक दूसरे के प्रति दोनों का भले ही रणधीर कपूर अपनी बेटियों के एक्टिंग करियर को अपनाने से नाखुश रहे हों, लेकिन अब वे अपनी बेटियों की कामयाबी पर गर्व महसूस करते हैं। एक इंटरव्यू में रणधीर ने कहा था, वे आज यह देखकर खुश हैं कि उनकी बेटियां अपनी जिंदगी में कामयाब हैं और उनसे ज्यादा अमीर भी हैं। उन्होंने कहा था, कई बार मैं अपनी बेटियों को कहता हूं कि तुम मुझसे अमीर हो तो मुझे गोद ले लो,